क्लास थर्ड स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसका नाम है वचन। वचन अर्थात संख्या। वचन से वस्तुओं या प्राणियों की संख्या का पता चलता है। नीचे दिए गए चित्रों में देखो, कुछ चित्र हैं, उसमें वस्तुएं हैं, एक पंखा है, सोफा है, दो फ्लावर पार्ट मतलब फूल लगाते हैं जिसमें वो है, गुलदस्ता, टेबल है, बुक्स हैं, बुक्स यानी किताबें हैं, दो तीन, एक से ज़्यादा हैं किताब तो किताबें बोलेंगे। मेज़ एक है तो एक मेज बोलेंगे बस, मेज। एक टीवी है और एक अलमारी है, दरवाज़ा है, मैट है और एक पेंटिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, चिड़िया, स्त्री। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, चिड़ियाँ, स्त्रियाँ। ठीक है, अब जैसे देखो पंखे के, पंखा कितना है यहाँ पे, एक पंखा है ना, तो बोलेंगे पंखा। तस्वीर कितनी है, दो, तो बोलेंगे तस्वीरें। दरवाज़ा कितना, एक दरवाज़ा बस। सोफे क्योंकि दो है ना, गुलदस्ता। मेज, किताबें, अलमारी, टीवी, टेलीविज़न। ठीक है, तो ये एक हैं तो उनको हम एक संख्या में मिलेंगे, और अनेक हैं तो उनमें मात्रा लग जाती है अलग तरीके से। अब देखो बहुत सारे आपकी किताब में भी दे रखे हैं एक वचन और बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें, छाता, छाते, कपड़ा, ये एक वचन लिखे हुए हैं। जो एक चीज़ होती है तो उसको कैसे बोला जाता है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको कैसे बोला जाता है। देखो बच्चा, बच्चे, बहन, बहनें, रात, रातें, आँख, आँखें, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, माता, माताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, दवाई, दवाइयां, मिठाई, मिठाइयां, छात्र, छात्रगण, औरत, औरतें। अब कुछ शब्दों के प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं, जैसे पानी, भीड़, जनता। कुछ शब्दों के प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी बैठे हुए हैं, पंडित जी, पंडित जी आ गए। कई बार वचन से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो ये तो संज्ञा है और ये क्रिया है, दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। यदि बहुत सारे हैं तो उसका रूप बदल गया ना, देखो यहाँ पे हे लग गया, मात्रा लग गई। वचन से वस्तुओं या प्राणियों की संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से वस्तुओं के संख्या में एक होने का पता चलता है, और बहुवचन से वस्तुओं की संख्या एक से अधिक होने यानी अनेक होने का पता चलता है। तो ये पाठ आप पढ़ लीजिए।